नमस्कार दोस्तों, मेरे चैनल में आपका फिर से एक बार स्वागत है। और दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम बात करने वाले किस तरह से Redmi Note 5 एंड Redmi Note 5 Pro में Android P मतलब कि Android Pie का यहाँ पर इंस्टॉलेशन कर सकते हैं। दोस्तों, Xiaomi की तरफ से यहाँ पर देख सकते हैं थीम स्टोर पे यहाँ पर Android P की थीम से जो कि यहाँ पर ऑफिशियली थीम से Redmi Note 5 एंड Redmi Note 5 Pro में यहाँ पर इंस्टॉल कर सकते हैं। साथ में दोस्तों, यहाँ पर देख सकते हैं यूजर इंटरफेस सेम टू सेम यहाँ पर Android 9 का है। Android Pie यहाँ पर इंस्टॉलेशन कर सकते हैं Redmi Note 5 Pro में। और दोस्तों, आपके लिए यहाँ पर गुड न्यूज़ है क्योंकि Redmi Note 5 एंड Redmi Note 5 Pro में जल्दी आपके यहाँ पर Android 9 का अपडेट भी देखने को मिलेगा। अगले साल यहाँ पर देख सकते हैं जुलाई 2019 तक ये जो अपडेट है आपको देखने को मिलेगा। क्योंकि दोस्तों, मी केयर से मैंने यहाँ पर कॉन्टैक्ट कर लिया है, उसने यहाँ पर बताया है कि जल्दी Redmi Note 5 Pro में जल्दी Android Pie का अपडेट आपको Redmi Note 5 Pro में देखने को मिलेगा। तो दोस्तों, ज़्यादा इन्फॉर्मेशन के लिए वीडियो यहाँ पर पूरा देख लीजिए क्योंकि यहाँ पर मैं लास्ट में सारी डिटेल्स आपको बताने वाला हूँ कि किस तरह से Redmi Note 5 Pro में न्यू Android Pie का अपडेट देखने को मिल जाएगा। और दोस्तों, अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्दी से सब्सक्राइब करके रख लीजिए और साथ में दोस्तों बेल आइकन को भी ऑन करके रख लीजिए ताकि आने वाली लेटेस्ट वीडियो की नोटिफिकेशन आपको जल्दी से मिल सके। तो दोस्तों, Redmi Note 5 एंड Redmi Note 5 Pro में ऑफिशियली Android Pie का जो यहाँ पर पिक्सेल एक्सपीरियंस इंस्टॉल करना है, इसके लिए आपको जाना पड़ेगा ऑफिशियल थीम स्टोर पे। और दोस्तों, यहाँ पर देख सकते हैं थीम स्टोर पे आने के बाद ऊपर यहाँ पर सर्च ऑप्शन में आपको सर्च कर देना Android 9 Pie V10। उसके बाद दोस्तों नीचे और भी टाइप कर सकते हैं जैसे कि Android Pie। तो दोस्तों, यहाँ पर देख सकते हैं सर्च करने के बाद आपको बहुत सारे ऑप्शन देखने को मिलते हैं, लेकिन आपके जो थर्ड ऑप्शन है उस थर्ड ऑप्शन की थीम सर आपको सेलेक्ट कर देने हैं। और दोस्तों, यहाँ पर देख सकते हैं थर्ड ऑप्शन की आप जो थीम है उसको सिलेक्ट करने के बाद ऊपर की तरफ से यहाँ पर देख सकते हैं Android 9 Pie जो कि यहाँ पर V10 है पिक्सेल एक्सपीरियंस। तो इसके आपको सिंपल डाउनलोड करके रखना है। तो मैंने पहले से यहाँ पर डाउनलोड करके रखा है। तो दोस्तों, डाउनलोड करने के बाद नीचे ऑप्शन मिल जाता है अप्लाई का। तो सिंपल उस थीम को आपको अप्लाई कर देना अपने Redmi Note 5 या फिर Redmi Note 5 Pro में। और अप्लाई करने के बाद दोस्तों देख सकते हैं जो पिक्सेल एक्सपीरियंस का जो कि Android 9 Pie का एक ऑफिशियल थीम है अपने Redmi Note 5 Pro में इंस्टॉल हो जाए। तो दोस्तों, यहाँ पर देख सकते हैं मैंने यहाँ पर थीम अप्लाई करके रखी है अपने मोबाइल में। तो दोस्तों, यहाँ पर देख सकते हैं अप्लाई करने के बाद आपको बहुत सारे कस्टमाइज सेटिंग भी ऑप्शन मिल जाता है। उसके लिए आपको यहाँ पर रिबूट करना पड़ेगा अपने मोबाइल को। तो मैं अपने मोबाइल के ऊपर पावर बटन दबाकर उसको रिबूट कर लेता हूँ क्योंकि दोस्तों, रिबूट करने के बाद जो भी थीम है अच्छी तरह से यहाँ पर प्रॉपरली वर्क करेगी अपने मोबाइल में, कोई भी बग्स आपके मोबाइल में नहीं रहेंगे इसको रिबूट करने के बाद, और अच्छी तरह से प्रॉपरली जो थीम है अपने मोबाइल में वर्क करेगी। तो दोस्तों, यहाँ पर देख सकते हैं फोन भी यहाँ पर रिबूट हो चुका है और Android Pie का जो यहाँ पर पिक्सेल एक्सपीरियंस के यहाँ पर इंस्टॉलेशन कर लिया है मैंने अपने Redmi Note 5 में। तो दोस्तों, यहाँ पर देख सकते हैं न्यू चेंज लुक एंड डिजाइन यहाँ पर देख सकते हैं सेम टू सेम Android 9 Pie की तरह सेम है। और ऊपर की तरफ से यहाँ पर स्वाइप करेगा दोस्तों, यहाँ पर देख सकते हैं नोटिफिकेशन पैनल वो यहाँ पर Android 9 Pie की तरह से आपको उसका डिजाइन देखने को मिलता है। फिर उसके बाद दोस्तों, यहाँ पर जाने के बाद सेटिंग में हम चेक करेंगे, सेटिंग में जो कि यहाँ पर आइकॉन्स है सेटिंग्स के वो यहाँ पर आइकॉन्स यहाँ पर मल्टी कलर में आपको आइकॉन देखने को मिलते हैं, जैसे कि यहाँ पर गूगल की सेटिंग में यहाँ पर गूगल का आइकॉन देखने को मिलता है, मी अकाउंट में यहाँ पर मी का अकाउंट में मी का आइकॉन आपको देखने को मिलता है। तो दोस्तों, यहाँ पर देख सकते हैं सेटिंग में यहाँ पर जो भी डिजाइन है काफी आपको बहुत ही कूल और अट्रैक्टिव देखने को मिलता है। उसके बाद दोस्तों, यहाँ पर देख सकते हैं जो कि यहाँ पर वॉल्यूम की बटन है, तो वॉल्यूम की बटन आपको थोड़ा बहुत चेंज लॉक देखने को मिलता है साइड कॉर्नर्स में। उसके बाद दोस्तों, यहाँ पर नेक्स्ट कस्टमाइज सेटिंग यहाँ पर देख सकते हैं पावर बटन की के ऊपर जो भी यहाँ पर डिस्प्ले की साइड है उसमें यहाँ पर डबल टैप करने के बाद तीन ऑप्शन देखने को मिलते हैं, डार्क मोड, वॉलपेपर एंड कॉर्नर। तो दोस्तों, यहाँ पर देख सकते हैं डार्क मोड में एनेबल कर सकते हैं, कॉर्नर में यहाँ पर एडजस्ट कर सकते हैं, और ऊपर की तरफ से जो कि वॉलपेपर है आप वन टैप से वॉलपेपर चेंज कर सकते हैं इस तरह से। तो दोस्तों, बहुत सारे आपको ऑप्शन मिल जाते हैं वॉलपेपर के। आप साथ में नीचे आपको ब्लर का ऑप्शन देखने को मिलता है, आप आसानी से यहाँ पर जो भी वॉलपेपर है उसके यहाँ पर ब्लर कर सकते हैं अपने होम स्क्रीन पर। तो दोस्तों, यहाँ पर देख सकते हैं वॉलपेपर यहाँ पर ब्लर करने के बाद जो भी यहाँ पर आइकॉन्स है बहुत यहाँ पर अच्छी तरह से हाईलाइट हो जाते हैं। उसके बाद दोस्तों, नीचे देख सकते हैं आपको मैसेज में और कॉन्टैक्ट्स में आपको चेंज लॉक डिजाइन देखने को मिलता है। तो आप देख सकते हैं यहाँ पर मैसेजिंग में यहाँ पर ओपन करने के बाद जो भी आपको कंपनी का मैसेज रिसीव हो जाता है तो उस कंपनी का आपको लोगो भी यहाँ पर सामने देखने को मिलता है जो कि यहाँ पर आइकॉन्स आपको देखने को मिलते हैं मैसेज में। नेक्स्ट दोस्तों, यहाँ पर देख सकते हैं कॉन्टैक्ट का जो भी यहाँ पर यूजर इंटरफेस है वो भी यहाँ पर चेंज हो जाता है इस गूगल Android Pie पिक्सेल एक्सपीरियंस है। तो दोस्तों, आप देख सकते हैं यहाँ पर कॉन्टैक्ट का जो भी यहाँ पर डिजाइन है पहले से काफी अच्छी तरह से आपको अट्रैक्टिव और कूल आपको देखने को मिलता है इस Android P पिक्सेल एक्सपीरियंस के थीम से। उसके बाद दोस्तों, यहाँ पर देख सकते हैं टूल्स है, जैसे कि यहाँ पर टूल्स का जो भी एक्सपीरियंस है डिजाइन है लुक है वो भी यहाँ पर चेंज लॉक देखने को मिलता है। उसके बाद दोस्तों, आपका जो भी यहाँ पर फोल्डर है तो फोल्डर में आपको यहाँ पर चेंज लॉक देखने को मिल जाता है इस थीम से। तो दोस्तों, इस तरह से आप अपने Redmi Note 5 एंड Redmi Note 5 Pro में Android Pie का जो भी यहाँ पर यूजर इंटरफेस है ऑफिशियल थीम यहाँ पर इंस्टॉल कर सकते हैं और उसके यहाँ पर सेम टू सेम डिजाइन अपने Redmi Note 5 Pro में उसका मजा यहाँ पर ले सकते हैं। साथ में दोस्तों, उसका जो ऑफिशियल अपडेट है जल्दी आपको जुलाई 2019 में आपको देखने को मिलेगा क्योंकि दोस्तों, मैंने यहाँ पर Xiaomi के जो ऑफिशियल कस्टमर केयर के टीम से कॉन्टैक्ट करके पूछा है, उसने यहाँ पर बताया कि जल्दी अपने Redmi Note 5 Pro में Android 9 का जो यहाँ पर अपडेट MIUI 10 में देखने को मिलेगा 2019 में। क्योंकि एक बार गूगल की तरफ से Android Pie का जो यहाँ पर सपोर्ट है MIUI 10 में मिलने के बाद Xiaomi जल्दी अपने Redmi Note 5 Pro में Android 9 का यहाँ पर सपोर्ट देने को तैयार है। तो दोस्तों, आज के इस वीडियो में मैं आपको बस यही अपडेट देने वाला था Android Pie का डिजाइन अपने Redmi Note 5 में किस तरह से यूज कर सकते हैं। तो दोस्तों, वीडियो पसंद आए तो लाइक करो, शेयर करो अपने दोस्तों के साथ और फिर मिलेंगे कुछ ऐसे इंटरेस्टिंग वीडियो के साथ। तब तक के लिए थैंक यू, बाय बाय, टेक केयर।